नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोग लेक्चर 3 को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित होता है उस पर हम लोगों ने बात की। उससे पहले समझ, संबंध और सुविधा के पूरे विस्तार को देखा और कल हम लोगों ने सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, स्वयं जांच परख के लिए ये 3 बातें सामने रखी थी कि एक तो ये अपने को दिखता है कि मानव के मूल चाहना निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना है और इसको मानकर या जानकर हमारे लाइफ में प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हुई हैं, इसको हम अपने आप में देख पा रहे हैं कि नहीं, कि हमारे लाइफ में प्रायोरिटीज बदली हैं। पहले जो हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज थी वो एक प्रकार से थी, अभी जो लाइफ में प्रायोरिटीज हैं वो उसमें एक परिवर्तन होने लगा है। कुछ उदाहरण हम लोग लिए थे कि पहले हो सकता है हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज थी कि मैं इस समय तक इस पद पर पहुँच जाऊँ या इस शहर में रहना शुरू कर दूँ या हमारे रहने सहने का ऐसा ढंग हो जाए या हमारे बच्चों का ऐसा करियर हो जाए, है ना, या समाज में इस तरह की नाम हो जाए, पहचान हो जाए, रुतबा हो जाए, कुछ इस तरह के हमारे प्रायोरिटीज हो सकती थी। अभी प्रायोरिटीज बदली हैं, है ना। अब हमको लगता है कि मुख्य काम तो समझना है, है ना, मेरे लिए भी, मेरे बच्चे के लिए भी, मेरे स्पाउस के लिए भी, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। सुविधा की आवश्यकता तो सीमित है, तो उसके लिए अनंत सुविधा संग्रह के लिए कोई योजना बनाने की जरूरत भी नहीं है। सुविधाओं से सम्मान नहीं मिलता, समझ और भाव से सम्मान मिलता है। समझ और भाव से हम भी सुखी होते हैं, दूसरा व्यक्ति भी सुखी होता है। तो हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज बदलती हैं। जहां हम अपना तन मन धन सुविधाओं के लिए पहले लगाने को तैयार थे, अब हम अपना तन मन धन ज्ञान के लिए, समाधान के लिए लगाने को तैयार हो सकते हैं, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो क्या लगता है, इस तरह की प्रायोरिटीज में कोई शिफ्ट अपने को दिखाई देती है कि नहीं, कोई इसमें परिवर्तन दिखाई देता है कि नहीं? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस पे हम लोग 1 या 2 शेयरिंग ले सकते हैं कि किस तरह से अपने लाइफ में प्रायोरिटीज बदली हैं, वरीयता बदली है। पहले किन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, अब किन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। जी भैया बिल्कुल, पहले जो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले जो प्रायोरिटी थी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता था कि फिजिकल फैसिलिटी की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ एक पर्टिकुलर तरह से तैयार होना चाहिए, इस तरह के मुझे कपड़े पहनने चाहिए, यहाँ हमें शॉपिंग करने जाना चाहिए, तो वो सारी चीजों की पहले बहुत ज्यादा महत्व थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम UHV कर रहे हैं और समझ बढ़ रही है, तो अब लगता है कि ये सब दिखावा, ये शो ऑफ जो है ये टेम्परेरी है, और इससे मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी जो अब मैं महसूस कर पाती हूँ। बहुत बार जब मैं कंपेयर करती हूँ कि पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं कैसा रिएक्ट करती और अब मैं कैसा रिएक्ट करती हूँ, रिएक्ट या रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं, तो अच्छा लगता है खुद को कि हाँ मुझ में ये परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल अगर लूं, पहले अगर हम कहीं जाते थे तो मुझे लगता था कि अरे ये कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, मुझे नए कपड़े लेने चाहिए, ये तो सबने देखा हुआ है। अब वो ये भावना मेरे अंदर से चली गई कि ये तो मैंने पहने हुए हैं या ये तो सबने देखे हुए हैं, तो वो अब नहीं रहा। घूमने फिरने को लेकर भी पहले मैं जब देखती थी कि लोग जो है 3 लॉन्ग वीकेंड है तो यहाँ घूमने जा रहे हैं वहां, तो मुझे भी लगता था कि हम भी घूम कर आते हैं। अब मुझे लगता है कि खुशी घूमने से मिलेगी ये आवश्यक नहीं है, खुशी तो मुझे घर पे रह के भी मिल रही है, तो ये एक परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ भैया। तो शायद ये इसीलिए कि अब सेंटर जो है वो सेल्फ हो गया है, बॉडी नहीं है, इतना मैं अपने में मैं देख पा रही हूँ भैया। जी बहुत बढ़िया। आप इस बैच में पहली बार जुड़ी हैं मॉर्निंग सेशन में? नहीं भैया, मैं होती हूँ, मैं एक्चुअली इंग्लिश सेशन से जुड़ जाती हूँ। अच्छा, अच्छा। हिंदी में अक्सर मैं बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा हेक्टिक रहता है 6:30 to 7:30। अच्छा अच्छा। वो मेरी बेटी स्कूल जाती है तो अभी क्या है कि उसको मॉर्निंग स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन कराया तो वो 6:35 पे चली जाती है। अच्छा। तो अब मेरे पास थोड़ा ज्यादा समय होगा। बहुत बढ़िया जी। जी धन्यवाद भैया। जी बढ़िया जी। सर एक्चुअली आई वाज थिंकिंग व्हाट कैन बी द रीजन फॉर आवर डेथ, व्हाट डिटरमाइंस आवर डेथ, इज इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्फ? Nutritious food for many time, many years, we cannot live beyond a particular year. So what can be the reason?
आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा बजिंग साउंड भी है पीछे से, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। सो देन स्टॉप, ओके सर, देन इट इज ओके। जी तो इसको हम लोग देख लें, है ना, कि हमारी प्रायोरिटीज कैसे बदली हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखने का ये है कि अब हम लाइफ में जो आगे का समय है उसके लिए हम किन चीजों को वरीयता देख के चल रहे हैं, और हो सकता है हमको उसमें मेजर शिफ्ट दिखाई दे, है ना। पहले हम जिस तरह के एक लाइफ का विजन रखते थे, अब वो विजन बदल गया है, ठीक है ना। अभी जिन चीजों के लिए हम अपना समय लगाने को तत्पर थे और जिन चीजों के पूरा ना होने से हमारे अंदर क्षोभ होता था, दुख होता था, परेशानी चिंता होती थी, अब ऐसा नहीं रहा। तो ये कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस आपके बन सकते हैं, इसको हम नोट कर लें, है ना, और फिर हम उसमें देखें कि उसमें और क्या बदलना बाकी है, उन प्रायोरिटीज में अभी अगर कुछ शेष है। अगर इसको जितना बारीकी से अपने ऊपर काम करते जाएंगे तो समझ की वरीयता कितना हमने प्लेस किया है लाइफ में उसको हम लोकेट कर पाएंगे, है ना, कि जो बचा हुआ समय है उसमें हमको कितना समय लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है ना। ऑलरेडी जो हमने समय लगाया है उसमें हम कितना इसको सदुपयोग कर पाए हैं, और बचे हुए समय में कितना उसको और ठीक से सदुपयोग करना है, लाइफ का अचीवमेंट क्या है, इन सब चीजों को हम अपने अंदर देख सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, नमस्ते। भैया ये जो रिफ्लेक्शन है इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे अंदर पहले भी मतलब मैं ज्यादा ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि फिजिकल फैसिलिटीज के लिए मुझे इतना तो नहीं था कि हाँ मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कि जितना है वो ठीक है। लेकिन मैं जो अभी मतलब देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप जो है उसमें कहीं ना कहीं लैक था बहुत जगहों पे, तो अब मैं उसको ना समझ के मतलब अब ये महसूस हो रहा है कि हाँ मैं यहाँ गलत थी, मैं मतलब वो मैं कर पा रही हूँ उस चीज को ना आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। तो मैं अभी इसी पे थोड़ा काम कर रही हूँ कि मतलब समझ के और मतलब उस चीज को सही कर रही हूँ कि इसको किस तरह से हम देखें और इसको किस तरह से ऑब्जर्व करें कि हम इस चीज को सही कर सके और जो एक हैप्पीनेस है वो आ सके हमारे अंदर। संबंध की वरीयता बढ़ी है। हाँ जी भैया, हाँ जी, कि सबसे पहले जो है वो पहले भी था लेकिन अब ज्यादा है, कि पहले मैं थोड़ा बहुत ये हो जाती थी कि हाँ मतलब रिलेशन है उसने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं क्यों कॉल करूं, या इस तरह की थी, मतलब मैं वो चीज समझ नहीं पा रही थी कि हाँ किस चीज को इम्पोर्टेंस देना है, किस बात को इम्पोर्टेंस देना है। और अब वो चीज ना मतलब दिखती है मुझे कि हाँ मैं उस चीज को देख के आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि हाँ ये चीज नेसेसरी है, मुझे इस पे काम करना है इस चीज के लिए। तो ये क्लियरली मतलब हो रहा है, क्लियर हो रहा है मुझे कि रिलेशनशिप में मैं उस चीज को मतलब थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि और भी इम्प्रूव कर सकूं। बढ़िया बढ़िया दीदी। नमस्ते सर। नमस्ते सबको, नमस्ते मेरी सर। जो मैं अपने में जो चेंज देखा वो कल का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि मेरा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसने प्रॉमिस करा था कि वो शाम को घर दे जाएगा और वो देखे नहीं। तो ये बताएं दीदी, इस पे बात हो रही है कि हमारे लाइफ में एक तो छोटी छोटी घटनाओं में तो हमको परिवर्तन दिखाई दे सकता है, लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ शिफ्ट हुई है कि नहीं, उसमें कोई परिवर्तन आया कि नहीं। सर बहुत ज्यादा हमारा पहले विजन होगा, है ना, अभी क्या विजन है, उसी रूप में है या कुछ बदला है? सर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, जैसे पहले हम लोग को बहुत झुंझलाहट हो जाती थी किसी चीज के पीछे, एकदम से हम बोलने लग जाते थे, तो उसमें इतना ज्यादा कंट्रोल आया और कि हम सामने वाले को भी तो समझे, उसको भी समझ। मैंने ये देखा कि हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम रही हो, वो नहीं आया, तो फिर याद आया कि रोजा इफ्तार था उन लोगों का, तो इस वजह से मतलब कि मेरे में इतना ज्यादा, मैंने उसके ऊपर वर्क करना इमिडिएटली शुरू करा कि क्या रीजन हो सकता है, वो एक क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसको मैंने सोचने की बहुत ज्यादा आराम से बैठी शांति से, और नहीं तो फिर ये मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ऐसे ऐसे करते हुए मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल सकती थी।
पर वो मैंने अपने आप में बहुत सारा चेंज देखा कि मैं बिल्कुल एक कूल माइंड में होके और उसके ऊपर मैंने विचार करा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। तो यहाँ पर मैंने अपने आप में जो चेंज देखा और साथ में फैमिली मेंबर्स में भी देखा कि मेरे हस्बैंड भी भाई कह रहे हैं कि मेरे को USB1 ज्वाइन करवा दे, और बेटे में भी बहुत सारी चेंजेस मैंने देखी है जिसमें ऐसे लग रहा है जी, मैंने कहा कि प्रभु तू ना जॉब चेंज कर दे, तो कह रहे नहीं हमें कितना खाना है, इतना सा तो खाना है, इतने से तो कपड़े चाहिए तो कह रहे नहीं अब जितने में मैं सेटिस्फाई हूँ इसमें, मम्मी मेरे को ऐसे ही सही है। मैं कहा अच्छा, ये इमीडिएटली आसपास भी ना एनवायरमेंट में थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग रहा था, ऐसे लग रहा है मेरे को कि है कुछ ना कुछ, हम लोगों में अगर समझ बढ़ती है तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट में जी। बढ़िया दीदी, थैंक यू सर। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करें है ना, कि एक तो छोटी छोटी घटनाओं में हमको अपने व्यवहार में अपने विचार में परिवर्तन दिखाई देता है, बट ओवरऑल लाइफ में भी हम देखें तो प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हुई हैं या होने की आवश्यकता है ना। उदाहरण के लिए यदि हम अपनी पूरी शरीर यात्रा का, अगर ऐसा लगे कि शरीर यात्रा हो सकता है कुछ समय बाद समाप्त होने वाला है, तो पूरी शरीर यात्रा का अगर हमको उपलब्धि का आकलन करने वाला करना हो तो हम किस रूप में उसको देखेंगे कि पूरी शरीर यात्रा की उपलब्धि क्या हुई है ना, और उसको अगर ध्यान में रख के चले कि पूरी शरीर यात्रा की उपलब्धि है तो आने वाले समय में हमको और क्या करना शेष है जो हमारे स्वयं में उपलब्धि का केंद्र बनेगा, उसको हम लोग ध्यान में रख के भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और आगे के लिए योजना कार्यक्रम बना सकते हैं। बढ़िया, मेरे को ऐसे लगता है हम लोग की यात्रा अभी शुरू हुई है, पता नहीं खत्म कब होगी, पर चलो हमने कुछ कदम तो उठाए जी। बढ़िया दीदी, ये भी हम देखें कि अभी हम कितना समय व प्रयास समझ के लिए लगा रहे हैं, संबंध के लिए लगा रहे हैं, सुविधा के लिए लगा रहे हैं ना? तो समझ के लिए हम में से हर व्यक्ति अब पहले से तो अधिक समय लगा ही रहा है, जैसे अभी सुबह का 1 घंटा तो लगा रहे हैं ना, इतना तो हम हर दिन लगा ही रहे हैं, उसके साथ दिन में भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और भागीदारी भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी ने पहले जितना समय लगा रहे थे उससे अधिक अब समय लगाना शुरू किया है संबंध में भी। ये तो फैक्ट है कि हम बहुत ज्यादा समय अपने ऊपर लगा रहे हैं कि हम अपनी समझ को बढ़ाएं कैसे, और ये तो हम लोगों के पास पहले जीरो क्या, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अरे अपने पर भी टाइम लगाना चाहिए, नहीं कभी नहीं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है, तो इसमें तो ऑब्वियसली इस चेंज में तो बहुत एनवायरमेंट में भी चेंज होगा ही होगा, मेरे को जहां तक मेरा ऐसे लग रहा है कि धीरे धीरे हर चीज ऐसे नॉर्मल सी होने लग रही है, तो चेंज तो होगा ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जी जी, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें और ये भी देखें कि अभी हमारे जीने के केंद्र में क्या है, मैं या शरीर। तो जीने के केंद्र में अगर शरीर है तो हमारा कार्यक्रम शरीर से सुख पाने का बनेगा, और शरीर से सुख पाने के लिए सुविधा की आवश्यकता है, तो हम अधिक से अधिक सुविधा संग्रह के कार्यक्रम में लग जाते हैं, फिर उसके लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं। तो जीने के केंद्र में शरीर है या मैं हूँ, यदि मैं केंद्र में हूँ तो मैं में फिर हम समझ के लिए भाव के लिए काम करते हैं और अपनी उपलब्धि का आकलन मैं में देखते हैं, स्वयं में देखते हैं है ना, कि स्वयं में हमारी क्या उपलब्धि है। आने वाले लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे उसमें और थोड़ी क्लैरिटी बनेगी इसमें, तो ये भी देख लें कि अभी हमारे जीने के केंद्र में क्या है, इसको फैलाएंगे तो और बहुत सारी बातें से निकल कर आती हैं कि अभी हम अगर शरीर को केंद्र में रखें तो हमारे जीने का कार्यक्रम कैसा बनता है, अगर मैं को केंद्र में रखें तो जीने का कार्यक्रम कैसा बनता है। तो ये हमारे अपने रिफ्लेक्शन के लिए है, इन सब चीजों को नोट करते चले आप पाएंगे कि हर दिन जो हम असाइनमेंट ले रहे हैं वो लगभग सिमिलर है ना, बट कुछ कुछ बारीकियां ऐड हो जाती हैं। जैसे हमने शिफ्ट की बात की थी कि शिफ्ट 1 हम देख पा रहे हैं कि नहीं, शिफ्ट 2 हम देख पा रहे हैं कि नहीं, शिफ्ट 3 के लिए हम तैयार हो पा रहे हैं कि नहीं, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अब इसमें हमने प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट ली हैं, प्रायोरिटीज में कैसे परिवर्तन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, केंद्र में क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप पाएंगे कि ओवरऑल मुद्दे वही हैं, बट हमारे ध्यानाकर्षण के लिए भिन्न भिन्न एंगल से भिन्न भिन्न दिशाओं से हम जब ध्यान देते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमको पकड़ में आती है अपने संस्कार रूप में, कि देखो हमारे संस्कार में ये बैठा हुआ था, हमें पता भी नहीं था है ना। उदाहरण के लिए हो सकता है आप अपने
कॉलेज के फ्रेंड से मिले, ठीक है ना। अब कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया, किसी की शादी बहुत अमीर घर में हो गई है, कोई विदेश में रहने लगा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें दिखाई दे सकती हैं। पहले की स्थिति ऐसी हो सकती थी कि आप इनसे मिलते थे तो अपने अंदर क्षोभ होता था कि देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया और हम कहाँ रह गए, या कोई अगर नहीं पहुंचा तो हम अपने बारे में सोच सकते थे कि देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ रह गया। अब ये सब चीजें कई बार हम ओवरलुक कर देते हैं, है ना। बट उस क्षण में भी आप देखें तो आप अपने आप में आराम पाए कि परेशान हुए। कोई व्यक्ति बता रहा है कि भाई वो तो कई वर्षों से विदेश में रह रहा है और आप भारत के किसी सबर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि अपने अंदर ग्लानी हो कि देखो हम कहाँ रह गए, है ना, ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर हम सुविधाओं को केंद्र में रखें, शरीर को केंद्र में रखें, तो हमारी दृष्टि उन दिशाओं में जाती है। बट यदि हम ज्ञान को केंद्र में रखें, स्वयं को केंद्र में रखें, तो हम इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। हम ये देखते हैं कि सेल्फ के रूप में वो कहाँ पहुंचा और हम अभी कहाँ पहुंच रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए कैसे पूरक हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके नेचुरल ऑब्जर्वेशन में आएंगी। जी बढ़िया, एक और शेयरिंग लेते हैं फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। जी बढ़िया बढ़िया दीदी। ओ पार्थ सारथी जी, आपका हैंड लोअर हो गया। सर एक रिक्वेस्ट था। हेलो सर। जी जी हेलो। हाँ, सर हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा आपसे कुछ, हाँ जी बात करना चाहते। नमस्कार। अच्छा, सर जी। जी सर जी प्रणाम। जी जी प्रणाम। सर मैं आपसे थोड़ा सा एक सलाह चाह रहा था कि आजकल मैंने भी, जैसे मेरी वाइफ थी ये सुबह सुन रही थी, तो मैं भी, मैं तो थोड़ी लेट ही उठता हूँ सर, पर जैसे लोग कहते हैं ना कि सुधार के लिए, जैसे पहले लोग कहा करते थे कि संगत अच्छी होनी चाहिए या ऐसे पाठ सुने जिससे मन को भी शांति मिले और थोड़ा अंदर से सुकून मिले, मेरे को तो सर आप वाला ये प्रोग्राम ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जो ज्ञानवर्धक कैप्सूल होता है ना, वही उसी तरह का काम कर रहा है सर आपका। बढ़िया भैया, बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना अभी दीदी से कि आपको सुविधा की आवश्यकता तो बहुत सीमित दिखाई देने लगी है। जी जैसे कल की बात है ये जब अपने इंस्टीट्यूट से आई आके इसने सर छोले रख दिए गर्म करने के लिए सर, और वो जल गए, और मैं इसको बार बार कह रहा था कि देखना जरा कुछ जलने की बदबू आ रही है, तो ये कह रही नहीं पड़ोस में जो है ना उन्होंने पापड़ जलाया हुआ है, थोड़ी देर में घर में धुआं ही धुआं हो गया। तो गुस्सा करने के बजाय मैंने भी इसको मजाक में ये कह दिया कि चलो अच्छा अब मच्छर भी मर जाएंगे क्योंकि घर में धुआं ही धुआं हो गया था सर। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है सर, एक संगत जो होती है ना, जो संस्कार भी बढ़ जाते हैं उससे सर, अच्छे संस्कार जो है। बहुत बढ़िया भैया, आप रोज सुबह जुड़े रहे दीदी के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। मैं सर देखिए मैं जान के सोया रहता था, पर जब अच्छी बात हाँ, पर ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे, ये आपका जो ये पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जो है बड़ा अच्छा लगा सर मेरे को। जी बहुत सुंदर भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आप इसी टीम के एक हिस्सा हैं। जी जी जी, मैं अपने आप को मानने लग गया हूँ सर जी। जी अब मैं, अब ऐसा है ना सर, मैंने दोबारा मैं कहूंगा कि जो जैसे लोग सुनते रहते हैं कि पाठ हम सुबह सुबह सुनेंगे, पाठ इन द सेंस कि जैसे कोई भी आप गीता भागवत समझ लीजिए या ग्रंथ साहब में देख लीजिए, जैसे भी, मेरे को तो ये पाठ ही लग रहा है सर, क्योंकि कानों में सुबह सुबह अच्छे अच्छे जब शब्दों का शब्दावली अंदर आती है ना कानों के अंदर, तो मन बड़ा प्रसन्न और शांत हो जाता है सर। जी जी, ये पाठ भी है और साथ में इसको जांचना और जीकर देखना भी है, तो ये सिंपली विचार में दोहराने की वस्तु नहीं है, तो पाठ तो है ही, उससे और आगे का काम कर रहे हैं कि इसको स्वयं में जांच रहे और जीकर देख रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी संयोग की बात है कि आप और पत्नी दोनों लोग साथ साथ जुड़ पा रहे हैं और साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, है ना। तो जी सर, जी बहुत ही बढ़िया सुखद सूचना है। ये आपकी ही दी हुई शिक्षा का सर परिणाम है सर। जी जी बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच सर। जी बढ़िया, नमस्ते अजी भैया, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग। यस, वी व्हेन इट कम्स टू राइट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रिलेशनशिप, वी जनरली हैव दिस टेंडेंसी व्हेन इट कम्स टू एन आर्गुमेंट और व्हेन इट कम्स टू एनी क्लैश और मिसअंडरस्टैंडिंग, with that incident we try to
forgive that incident or that person with right understanding. But generally what people do is they only forget things. They only try to forget that. But when they see the person again, the incident again comes to their mind and it creates anger. So how to overcome this? देखिए आर्गुमेंट क्यों होता है ना, तो आप पाएंगे जब दो लोग चर्चा शुरू करते हैं फिर दोनों लोग अपना अपना एक स्टैंड डिफाइन कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद उसको डिफेंड करना शुरू करते हैं और फिर एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव आने लगता है, ठीक, फिर एक दूसरे को ऑफेंड करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे आर्गुमेंट बढ़ता चला जाता है। इसके बजाय अगर हम इस बात को केंद्र में न रखें कि मैं सही हूँ या आप सही हैं, इस बात को केंद्र में ले आए कि सही क्या है, उसको मिलकर देखते हैं, तो आर्गुमेंट नहीं होगा, है ना, फिर डायलॉग होगा और उस डायलॉग में दोनों सही को देखने की तरफ बढ़ेंगे। तो ये प्रूव करना कि मैं सही हूँ ये इम्पोर्टेंट है या इस बात को देख पाना कि सही क्या है ये इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है? ओके ठीक है भैया, सिर्फ समटाइम्स व्हेन दे ट्राई टू चीट अस सम आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंसिडेंट व्हिच हैज नॉट हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल इंसिडेंट विद पब्लिक। So if someone has cheated someone, we try to forgive them with right understanding. But after some time, when we see them, we only remember those things, right? So again, those things come to our mind and we are not forgiving them actually. We are only forgetting that incident and we are trying to move on with our life. But actual thing is we should forgive them. That thing is missing with most of the people. That might be the reason for all these mishappenings. So how to overcome this situation, like how to forgive them instead of forgetting that incident? देखिए उसमें मुद्दा ये है ना कि हमको दूसरे के इंटेंशन के प्रति अश्योरेंस नहीं रहता, तो हम अधिक से अधिक भूल जाते हैं, ठीक, बट हमारे अंदर अगर हम सही अर्थ में उसको प्लेस करें फॉरगिवनेस को या क्षमा को, तो क्षमा का भाव नहीं आता। तो हमें दिखता है कि व्यक्ति की चाहना तो ठीक ही रही थी, योग्यता की कमी थी, तो हम उसको सहज रूप से क्षमा कर पाते हैं और सिर्फ वहां पे रुकते नहीं है, उसकी योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए विचार भी करते हैं, योजना बनाते हैं। तो जब तक हमारे अंदर दूसरे के इंटेंशन के प्रति अश्योरेंस नहीं होता, तो जब जब उसको याद करते हैं उसके प्रति इरिटेशन एंगर बना रहता है, ठीक, अधिक से अधिक हम उस घटना को भूल पाते हैं या भूलने का प्रयास करते हैं, परंतु उसका दुख बना रहता है। जब हमको दिख जाता है सहज रूप से कि व्यक्ति की चाहना तो ठीक ही थी, योग्यता की कमी थी, समझ का अभाव था, ठीक, इसलिए ऐसी गलती की, तो हम उसको क्षमा भी कर पाते हैं और उसकी योग्यता कैसे बढ़े उसके लिए विचार भी कर पाते हैं। तो इसका जो सलूशन है वो तो ये है कि हमारे अंदर ट्रस्ट की फीलिंग इंश्योर हो, विश्वास का भाव इंश्योर हो, तभी ये रिजॉल्व होगा, उससे कम में होगा ही नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप पाएंगे लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं या हम सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां हम पास्ट में दुखी हुए थे, अब हम उसको फॉरगेट कर जाते हैं, है ना, बट हम दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। फॉरगेट करने का मतलब कि अधिक से अधिक उस घटना का हमारा विस्मरण हो गया, है ना, ध्यान से हट गया, बट जब जब ध्यान में आता है फिर दुखी होते हैं। Yeah, we generally avoid them instead of being with them. We generally people tend to avoid them and move on. But instead, we should forgive them and we should try to be happy with them. But instead, people try to avoid that person and move away. So that is kind of like they are doing like sacrificing or something like that. That is one big lacking in people. Even though we have right understanding or whatever. But that should come, then we will have this harmony with in the society or within the relationship. So, देखिए एक स्थिति है कि हम किसी के आचरण से दुखी हैं, ठीक, उससे एक स्थिति बनती है कि जब जब याद आता है दुखी होते हैं, बट उसको हम फॉरगेट करने का प्रयास करते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं। उससे एक और आगे की स्थिति है कि उसको हम क्षमा करने का प्रयास करते हैं, परंतु उससे आगे की स्थिति है कि हम उस व्यक्ति की समझ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी हमारी स्थिति क्या, अभी हम ये देख सकते हैं को लेकर दुखी हैं और उसको, है ना, दुख को बनाए हुए हैं, या दुखी तो हैं बट उसको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको हम किसी रूप में क्षमा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्षमा कर पा रहे हैं, है ना, कि ठीक है जो हुआ हुआ, ना समझ था। उससे आगे की स्थिति है कि हम उसको कॉम्प्लीमेंट करने का, उसकी समझ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हुआ वो तो हुआ ही, है ना, बट उस व्यक्ति में समझ कैसे बढ़े ताकि आगे ना हो, क्योंकि उस घटना में वो भी दुखी हुआ था जब उसने मुझे दुखी करने का प्रयास किया था। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं इन चारों स्थितियों में, एक अच्छा पॉइंट है जो भैया के प्रश्न से निकल कर आ रहा है, और ये हम सबके साथ हो सकता है।
तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, ये हमारे अपने आकलन के लिए हम उसको याद कर करके दुखी हो रहे हैं, या उसको भूलने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको क्षमा कर पा रहे हैं, या उसके विकास में हम सहायक हो पा रहे हैं, हम अभी कहाँ खड़े हैं, ये स्वयं के आकलन के लिए है। ये भी हमको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमारी कोई शिफ्टिंग हुई है कि नहीं। पहले जिन चीजों को याद करके हम दुखी बने रहते थे, जब जब बात होती थी उसको हम दोहराते थे, दूसरों के साथ शेयर करते थे, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि अब हम उसी व्यक्ति को संबंधी के रूप में देखते हुए उसकी समझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम सबके आकलन के लिए है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़िया, ठीक है भैया, थैंक यू जी। बढ़िया भैया, हाँ ये देख लेना। देखिए अभी फॉरगिव करना भी लोगों को बहुत कनी जी जो कह रहे हैं कठिन लगता है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास का भाव नहीं होता। बट ये हम देखें अपने आप में भी, हम देखें कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, है ना। कितनी ऐसी घटनाएं होंगी लाइफ में, ऐसी 50 घटनाएं हो सकती हैं, आप अपने आप में बैठे एक घंटे के लिए और आपके अंदर वही घटनाएं लौट लौट कर आने लगी, ठीक, और आप उसमें गुत्थम गुत्थी करने लगे, उलझने लगे, परेशान होने लगे, दुखी होने लगे, ठीक। तीन चारों में से कहीं ना कहीं हम अपने आप को पाते हैं, ठीक। फिर वो जब दुखी होने लगे तो उसको हम अपने ध्यान से हटा रहे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, है ना, उसको हम भूलने का प्रयास करने लगे, या हम देख पाए कि हाँ उसकी चाहना ठीक थी, योग्यता की कमी थी, तो चलो भाई क्षमा कर दिया उसको, जो हुआ हुआ। या उससे आगे स्थिति हो सकती है कि अब हम योजना बना रहे हैं कि उस व्यक्ति में समझ कैसे बढ़े। तो हम अभी कहाँ खड़े हैं अपने संबंधों में, अपने परिवार में संबंधों में, है ना, परिवार समूह के संबंधों में। तो आपको कई बार दिखाई देगा कि इन लॉज के साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी जिससे आप बहुत दुखी हुए, आपसे भूलने का प्रयास करते रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में कभी अपमानित महसूस किए, उसको भूलने का प्रयास करते रहते हैं, या किसी ने आपके साथ अन्याय किया और उसको भूलने का प्रयास करते रहते हैं। अभी उन्हीं चीजों को लेकर हम दुखी हैं, या हम अपने आप में शिफ्ट देख पा रहे हैं और उस व्यक्ति में परिमार्जन के लिए योजना बना पा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया भैया, एक और हैंड रेज है, बट थोड़ी अब कंटेंट को आगे लेके चलते हैं, इसको हम लौट के आएंगे। हाँ, नमस्ते भैया जी, नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। भैया मेरी लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज थी जिनके साथ हमेशा अपोजिशन में रहती थी, और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं, जैसे अभी भैया ने पूछा कि हम कैसे उन लोग के साथ डील करें, या उनके साथ जो अपोजिशन है उसको कैसे हैंडल करें। और ये जनरली होता है, ऐसे मुझे लगता था कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी रहती है हमारी लाइफ में जिनके साथ हम रिलेशन में नहीं रह पाते। लेकिन मैं आपसे पूछूं, इससे पहले ही कल एक ऐसा एपिसोड हुआ कि मुझे एक हमारे कलीग है उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। इससे पहले जब इंटरेक्शन हमेशा ऑफिशियल ही मैं कर पाती थी इन लोगों से, बट कल जब मैंने इंटरेक्शन की तो मैंने पाया कि पहले मैं जितना अपने आप को फोर्स करके और अपने आप को स्ट्रेन करके उन लोग के साथ इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ, कल मैं सहज बात कर पाई और मुझे उतना तकलीफ नहीं हुई जितना पहले हुआ करती थी। तो मैं नोटिस भी कर रही थी इस चेंज को कि ये मैं इतना सहज कैसे कर पा रही हूँ। मैं पहले ऐसा होता था कि ये जो संभाषण है बहुत जल्दी खत्म हो जाए, जितना ऑफिशियल बोलना है उतना बोल के, लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं उन लोग को सुन भी पा रही थी, जो अदर व्यक्ति था जो बोल रहे थे मैं उनको सुन भी पा रही थी, समझ भी पा रही थी, और जो अपोजिशन की भावना पहले हुआ करती थी उससे अब बहुत कम है। तो आप जो शिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट में ऑब्जर्व मैंने डिलिबरेटली नहीं लाया है, बट ये मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि ये आ गया है और मैं खुश हूँ कि ये आ गया है। और अभी जो आप बता रहे हैं कि इससे आगे हम इस संबंध को उन्हें भी एक कलीग, एक संबंध का रिलेशन संबंध एस्टेब्लिश करके उनके डेवलपमेंट में भी काम करें, तो मुझे लगता है कि ये हम जब UHV से जुड़े हैं और उस चीजों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये नेचुरली आ रहा है, कुछ ऐसे स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगते, मतलब मुझे नहीं लगे। मुझे ये शेयर करना था। बहुत सुंदर दीदी, मैं ऑब्जर्व किया है सर, कल ही किया है जी। जी इनफैक्ट सभी साथियों की शेयरिंग से हम सबका अपने अपने पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान जाता है, अपने ऊपर ध्यान जाता है, तो ये शेयरिंग से काफी यूजफुल है।
हर व्यक्ति अपने लाइफ में घटी हुई घटनाओं कुछ स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर बात करते हैं और उससे कई ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं जो हम सबके ध्यान आकर्षण के लिए उपयुक्त होते हैं। बहुत ही बढ़िया दीदी, शुक्रिया। इस पूरी चर्चा के साथ अब हम लोग लेक्चर 4 को डिस्कशन में ले आते हैं। तो अभी हम लोग UHV-2 में जितना अध्ययन किए उसी को हम दोहराने का भी अभ्यास कर रहे हैं और उसको कुछ बातों को जोड़ कर देख रहे हैं। तो अब हम लोग मानव और प्रकृति के बारे में, मानव और अस्तित्व के बारे में जो अध्ययन किए थे UHV-2 में, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। जी, मानव के बारे में हम लोग इतनी बातें अध्ययन की थी। मुझे लगता है ये डायग्राम, ये कलर से आप सभी अब परिचित होंगे कि बाईं तरफ पर्पल कलर रहता है, दाईं तरफ पीला कलर रहता है ना। मैं के बारे में कुछ लिखा हुआ है, शरीर के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं। तो अब ये तो डायग्राम एक तरह से अपने चित्रण में बैठ जाता है कि ऐसा है ना, मानव का मतलब ऐसा है। अब इसको हम अपने आप में देखें और कि हम इस बात को अपने आप में कितना देख पा रहे हैं कि मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। मेरी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता अलग है। तो ये जब हम डे वन पे ये बात सुनते हैं तो हमको अपने आप में लगता है कि हाँ बात तो ठीक ही है, नेचुरली एक्सेप्टेबल है। बट आप पाएंगे वहां बात पूरी नहीं होती। इसको हम जितना जितना देखते जाते हैं उतना उतना क्लैरिटी बनती है, उतना उतना एक एक क्षण में हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, ये मेरी आवश्यकता है और ये शरीर की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरी हर आवश्यकता निरंतर है, शरीर की हर आवश्यकता सामयिक है, मेरी आवश्यकता गुणात्मक है, समझ भाव से पूरी होती है। शरीर की आवश्यकता मात्रात्मक है, सीमित मात्रा में ही चाहिए और ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। इतनी बात स्पष्ट है, इस पर किन्हीं कोई शंका हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। हम में से कई साथी अभी UHV-1 को सीधे करके आए हैं, कुछ लोगों ने एक दो हफ्ते पहले ही इसको शायद अटेंड भी किया हो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर इस बात को लेकर आपके अंदर कोई प्रश्न बना हुआ है। तो क्या हम लोग अब इसके आगे विस्तार में बात करेंगे मैं के बारे में, तो ये हम स्वीकार करके चल रहे हैं कि बातें आपको स्पष्ट हैं। फिर भी यदि कुछ इसमें स्पष्ट ना हो तो आप हैंड रेज करके प्रश्न कर सकते हैं कि मेरी आवश्यकता और शरीर की आवश्यकता अलग अलग है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हाँ, सभी को नमस्ते। भैया ये जो B1 और B2 ब्लॉक का चार्ट है वो सामने तो अभी शायद नहीं है, पर मैं वैसे अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, ये बार बार प्रश्न उठता है कि जैसे डिजायर थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस एक्सट्रीम लेफ्ट में है, उसमें उसके बाद में सेकंड कॉलम में डायनेमिक एक्टिविटी पहले आ रही है। तो अभी भैया सोर्स आते हैं, अभी रुकिए, आते हैं, अभी मैं का डायग्राम ओपन करेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। अभी सेल्फ और बॉडी को लेकर यदि कोई चीज अनक्लियर हो तो उस पर प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद उस पर आएंगे। जी भैया नमस्ते। जी धन्यवाद भैया। जी बढ़िया भैया। जी भैया। हाँ जी भैया नमस्ते सभी को। ये मेरा बहुत ही फेवरेट पॉइंट है और सभी जानते हैं, और मैं यहाँ स्ट्रांगली अपोज करता हूँ कि सिर्फ सेल्फ को देखने से ही काम नहीं चलेगा, बॉडी भी उतनी ही जरूरी है। जो भी पॉइंट अपने सामने है, जो आपने अभी बताया कि पर्पल और पीले कलर में दोनों, तो जैसा मैं मानता हूँ कि हम अपने आप को सेल्फ को कितना भी स्ट्रांग बना ले, लेकिन अपनी बॉडी जो है, मतलब जो हम उसको पकड़ लेते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, सुविधा चाहिए, तो वो मिनिमम सुविधा अगर हम वो बॉडी को नहीं देंगे तो वो सेल्फ कैसे काम करेगा। जी भैया प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस हो जाए प्लीज। जी, तो पहली बात तो ये सेल्फ और बॉडी दोनों महत्वपूर्ण है ना, किसी के महत्व को तो कम कर ही नहीं रहे। जी भैया एक मिनट, आपको आपने आपके जो कल की असाइनमेंट थी पॉइंट नंबर 3 में कि व्हाट इज योर व्यू इन रिगार्डिंग बॉडी एंड सेल्फ, या आपका शिफ्ट किधर है, फिलहाल आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, तो उसके लिए मेरा कहना है कि बॉडी सेल्फ से पहले बॉडी को देखना है, ये पॉइंट के ऊपर मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज गिव मी द गाइडेंस। बॉडी मेन है, सेल्फ तो अपने आप, बॉडी को अगर आप ठीक रखोगे तो सेल्फ अपने आप ठीक रहेगा। हमने माना कि हमने सेल्फ के ऊपर बहुत कुछ कर लिया, सब अंडरस्टैंडिंग, सब बाकी जो भी अपन जानना चीज कर रहे, लेकिन बॉडी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे तो सेल्फ क्या करेगा प्लीज। जी जी, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये बात है कि सेल्फ भी है और बॉडी भी है, इन दोनों को हम देख पाते हैं, इन दोनों में अंतर है ये भी देख पाते हैं। जो अभी पिछले स्लाइड में बात हुई कि हमारे जीने के केंद्र में क्या है, सेल्फ या बॉडी, तो अभी जो आप बात कह रहे हैं वो थोड़ा सा और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी भैया, इस पे और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जी जी, तो अपन आगे जाएंगे तो अपना ये क्लियर होते जाएगा। ओके ओके, नहीं नहीं अभी भी इसको क्लियर कर सकते हैं।
तो बॉडी ठीक हो जाएगा तो सेल्फ ठीक ही हो जाएगा, ये मानना थोड़ा क्वेश्चनेबल है। बोलिए ना, इस पे करते ना, अपनी बॉडी ठीक नहीं है, मतलब कुछ मेरे बॉडी में दर्द है, बहुत सारा कुछ मुझे ये है, तो मैं मेरा सेल्फ कैसे ठीक रहेगा, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। हाँ भैया जी, इसको समझ लेते हैं जी भैया। तो ऐसा हो सकता है, अभी तो उसको देखते हैं, शरीर स्वस्थ है ठीक है। हाँ जी भैया, अब मेरे लिए क्या कार्यक्रम है आगे के लिए, इसी शरीर की सुविधा जुटा के स्वस्थ बनाए रखना यही एकमात्र कार्यक्रम है, या शरीर का सदुपयोग करना। जी भैया जी भैया जी भैया, है ना। तो अगर हमको मैं केंद्र में दिखाई देता है तो मैं स्वस्थ शरीर का सदुपयोग करता हूँ, मैं के विकास के लिए, अपने अंदर ज्ञान समाधान के लिए, समझ भाव के लिए। जी अगर ये नहीं दिखाई देता है, उसी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पूरा अपना दिनचर्या है ना, ऊर्जा प्रयास लगा देता हूँ जी भैया। तो एक शिफ्टिंग हमें दिखाई देगी कि जब मुझे दिखता है कि मैं केंद्र में हूँ तो मैं शरीर के सदुपयोग के बारे में विचार करता हूँ, और उस अर्थ में शरीर का पोषण करता हूँ, संरक्षण करता हूँ। जी जी भैया, अगर शरीर केंद्र में रहता है तो हम अपना पूरा समय प्रयास लगा देते हैं, और ना हमारा संबंधों पे ठीक से ध्यान जाता है, ना समझ पे ध्यान से जाता है, तो हम अपने अंदर दुखी परेशान रहते हैं। फिर उस दुख परेशानी से बाहर निकलने के लिए हम फिर है ना अनुकूल संवेदना के लिए प्रयास करते हैं, अनुकूल भाव पाने के लिए प्रयास करते हैं, और उस क्रम में शरीर को हम धीरे धीरे अस्वस्थ बना देते हैं। अभी आप देखिए तो समाज में ऐसे कई लोग दिखाई देने लगे हैं जिनका सुविधाएं हो गई हैं पर्याप्त, बट उनको चूंकि जीने के केंद्र में मैं नहीं है, तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ही ठीक पूरे समय लगाते हैं, उसके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, उसके लिए बहुत सारा जगह जगह जाकर अलग तरह से कार्यक्रम बनाते हैं ना, चार चार पांच पांच घंटे हम नियरली शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लगाते हैं, और फिर भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं में सुख नहीं है, संबंधों का सुख नहीं है, समझ का सुख नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली स्वस्थ शरीर को भी हमने अस्वस्थ कर दिया क्योंकि मैं पे ध्यान नहीं है। नहीं, वो जो पॉइंट है मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि वो ग्रिड की तरफ गया, शरीर को ज्यादा करने, मतलब हमने जो जाना ही नहीं है कि शरीर को ठीक रखना कहाँ तक है, मतलब समझो हमको, जैसे आपने भी बहुत सारे मैंने अभी दो तीन किए हैं या आपके सुनता हूँ, तो खाना खाना है वो कहाँ, कौन सी हद तक खाना है, जितना अपने शरीर को चलाए रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए जरूरी है, लेकिन हम अगर उसको ज्यादा खाते हैं तो वो भी नहीं ना, मतलब बॉडी को देखना है लेकिन एक हद तक, लेकिन बॉडी को छोड़ के भी नहीं चलेगा, ये मेरा पॉइंट है, सिर्फ सेल्फ देख के नहीं चलेगा। देखिए शरीर को तो छोड़ के चलने की बात ही नहीं है, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो शरीर के माध्यम से ही कर रहा हूँ। भैया बस यही मेरा कहना है कि शरीर अगर स्वस्थ है तो फिर सब हम सेल्फ को देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन शरीर अगर अस्वस्थ है तो शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा पहला शिफ्ट जो है वो बॉडी की तरफ चाहिए, उसके बाद सेल्फ की तरफ अपने आप आ जाएगा, बॉडी अगर ठीक है तो। ये मेरा ये बात ठीक है कि अभी ये भी हो सकता है कि हमारा ध्यान पूरी तरह से सुविधा पे है, तो हम सुविधा को केंद्र में रख के चल रहे हैं, उससे आगे की शिफ्टिंग है कि सुविधा से आगे बढ़कर शरीर पे ध्यान दिया। जी उससे जी आगे की शिफ्टिंग है शरीर से ध्यान ना आगे बढ़कर हमने मैं पे ध्यान दिया, फिर शरीर को हम ज्यादा स्वस्थ रख पाते हैं, उसका सदुपयोग बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जी जी भैया जी भैया, हम अगर मतलब सेल्फ को अच्छा रखना चाहते हैं तो शरीर का अच्छा रहना बहुत जरूरी है, ये मेरा जानना हो गया अभी मानने से ज्यादा। बढ़िया बढ़िया, ये बात ठीक है जी जी भैया जी भैया, धन्यवाद, टाइम देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, ये बोलना था अभी जो सेल्फ और बॉडी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो इस पे दिन भर जो विचार वो ऑन ऑफ चलता रहता है या कुछ समय के लिए, पर पक्का होने के लिए ऐसे क्या करना चाहिए कि बॉडी डिफरेंट है, जैसे अभी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए बॉडी के और सेल्फ के, तो फिर भी एक बहुत ज्यादा बॉडी को नरिश करना एक लगाव ये बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें हमारा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ छोटा सा, कि हमारा गोल है सपोज कॉलेज पहुंचना है, तो मैं ऑटो रिक्शा या व्हीकल में बैठ के जाऊंगी, जबकि मुझे पता है वो व्हीकल या ऑटो मुझे छोड़ना होगा जैसे ही मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगी। और अगर कुछ मतलब एक्सीडेंट या कुछ होता है तो ये रहता है कि व्हीकल को डैमेज हो गया, तो आई गेट द फील, जैसे फीलिंग आती है कि चलो मैं सुरक्षित रही, ये हो गया, इसे तो मैं मेंटेनेंस या ठीक भी कर दूं। पर जब अब वो व्हीकल को मैं बॉडी समझूं और मैं
को वही मैं सेल्फ, तो वहां वो फीलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी में नहीं रह पाती है। तो अगर हम प्रयोजन को देखते हैं ना तो सेल्फ पे ध्यान जाता है। तो जैसे हम ये देख सकते हैं कि अभी मैं शरीर चला रहा हूँ या चला रही हूँ, इसका पर्पज क्या है? शरीर तो सामयिक है जी, फिर अल्टीमेटली पूरी शरीर यात्रा को चलाकर उपलब्धि क्या हुई, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? तो जैसे आपने जो उदाहरण लिया कि भाई हम रिक्शा बैठे गए कॉलेज और उतर गए, तो शरीर तो है ना जो रिक्शा एक साधन की तरह काम किया, वैसे ये शरीर भी एक साधन की तरह काम कर रहा है। साध्य क्या है? तो साध्य के रूप में दिखाई देता है सही समझ सही भाव जो मेरे साथ बना रहता है। ये जो मैं सूचनाएं एकत्र करता हूँ बाहर से, ये सूचनाएं तो सामयिक है, भूल जाता हूँ मैं इनको। ये जो दूसरों से कुछ मुझे मिलता है ना शरीर से मिलने वाली संवेदना के माध्यम से, ये भी थोड़े समय बाद उसका प्रभाव नहीं रहता। ये जो शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ, उसका भी प्रभाव सामयिक है। तो अल्टीमेटली वो क्या है जो मेरे अंदर कंटिन्यू करेगा, उस पर मेरा ध्यान बना रहता है। तो जो आपने कहा कि कैसे स्वयं पे ध्यान बना रहे, तो एक तो हम जितना जितना स्वयं को समझते हैं, स्वयं की निरंतरता हमको और स्पष्ट होती है, शरीर की सामयिकता पहले से स्पष्ट है, तो एक शिफ्टिंग तो ये मिलती है। दूसरा कि स्वयं में भी क्या है जो कंटिन्यू करेगा, उसको जब हम देखते हैं तो दिखता है कि एकमात्र चीज जो है जो कंटिन्यू करेगी वो समझ और भाव है। ये सूचनाएं मैं बाहर से ले रहा हूँ है ना, ये तो सामयिक है, ये तो भूल जाऊंगा मैं। जैसे अभी भी आप देखें कि क्लास 4 में आपने गणित में क्या पढ़ा था, अगर कोई पूछे तो आप भूल गए होंगे। तो क्या है जो कंटिन्यू करेगा, अगर उसको हम देखें तो दिखता है कि समझ और भाव जो मेरे साथ बना रहता है, इसको कोई भूलने वाली बात नहीं है, तो हम इसमें फोकस हो पाते हैं। और इस पूरे UHV 3 में हम देखेंगे कि हम इसको केंद्र में रखकर चलने वाले हैं। तो हम उन्होंने एक शिफ्टिंग ली थी UHV 2 में कि मानव को मैं और शरीर के रूप में देखा, और मैं केंद्र में है इसको हम ध्यान में ले आए, और मैं में भी क्या केंद्र में है, तो जो अनुभव का आयाम है, जो ज्ञान का आयाम है, वो केंद्र में है, कल्पनाशीलता नहीं। इस पे हम लोग बात करेंगे विस्तार से। और उसमें भी आप देखें तो अनुभव के आयाम में भी क्या केंद्र में है, तो अनुभव की क्रिया। तो ये धीरे धीरे हमारा एक अपग्रेडेशन हो रहा है कि परे पूरा ध्यान फैला हुआ था बाहर दूसरे लोगों पर सुविधाओं पर, वहां से समेट कर हमने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। अपने ऊपर ध्यान देते ही मैंने मैं के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, तो मैं अपने विचारों को देखना शुरू किया, उसे और ध्यान समेट कर अपने अंदर जो भाव है उस पर ध्यान दिया, और समेट कर समझ पे ध्यान दिया, और समेट कर समझ का जो कोर मुद्दा है अनुभव की क्रिया उस पर ध्यान देना है। तो अभी हमारी कल्पनाशीलता पूरी फैली हुई हो सकती है, पर धीरे धीरे जितना जितना उसको समेटते जाते हैं जो कोर इशू है वो ध्यान में आता है, और जब अनुभव पे ध्यान जाता है तो पूरे सहस्तित्व पे ध्यान जाता है। ये मेरा विकास है और यही मेरा टेक अवे है। तो हम सबके लाइफ में अगर हम देखें तो जो टेक अवे होना है, जो उपलब्धि होनी है ना, जो मेरे साथ बनी रहेगी वो यही है। बट इसको एक ओपन प्रपोजल के रूप में रखें, इसको हम देखते चलें, है ना, इसके हम लोग बात करते रहेंगे। जी जी सर, एक ही जैसे हर चीज को हम सेल्फ एक्सप्लोर करके समझ पा रहे हैं, मतलब उसको पहले धारणा पकड़ के नहीं, उसे हम समझ रहे हैं, तो क्या ये हर चीज में लागू होगा? जैसे हमने बचपन से पढ़ा है कि अर्थ गोल है या फिर कुछ भी, तो हम इसे कोई भी सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ कुछ भी, तो हम क्या इसमें भी सेल्फ एक्सप्लोर करके कर सकते हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं, जो हमको प्रकृति के बारे में सूचना मिलती है ना, उसमें दो बातें होती हैं। एक तो एक नियम होता है जिस नियम के आधार पर घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाओं की मैं सूचना लेता हूँ। तो जो धरती है वो सूरज चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, ये सूचना है, एक घटना है ना। नियम क्या है? तो जड़ का जड़ से एक निश्चित नियम बना हुआ है, तो नियम को अगर हमने समझ लिया वो मेरे साथ बना रहेगा। बट एक समय के बाद हो सकता है हमें इस पर शंका होने लगे, हमें लगे कि नहीं ये बात अलग थी। जैसे पहले ऐसा मानते थे कि पृथ्वी चिपटी है, फिर ऐसा हो गया पृथ्वी गोल है, पहले पृथ्वी गोल नहीं है, जियोइड शेप है उसका, अंडाकार और चिपका हुआ है, ठीक। तो अभी सूचना बदलती जा रही है, हमने तो अभी इसको जाके देखा नहीं है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगाकर, जिसने जो सूचना दी हमने मान ली। अभी धरती सूरज चारों तरफ घूम रही है कि सूरज धरती चारों तरफ घूम रहा है, ये भी हमने सूचना ली है दूसरों से ही कि नहीं, बट चूंकि सभी ऐसा मान रहे हैं हमने मान लिया। कल को शोध में अगर कुछ और नई बात जुड़ जाए, हो सकता है ये बात बनी रहे बट इसमें कोई और बात जुड़ जाए कि नहीं एक प्लेन में नहीं घूमती है, थोड़ा सा वो जो ऑर्बिट है वो प्लेन से हटके है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, तो हम उसको भी मान लेते हैं। तो ये तो एक मानने की बात हुई।
बट इसमें जो जांचने की बात है वो ये है कि एक जड़ इकाई का दूसरी जड़ इकाई के साथ संबंध क्या है, ये नियम क्या है जिसके आधार पर जड़ इकाई के साथ संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है। ये ज्ञान का मुद्दा, ये समझ का मुद्दा है। ये धरती और सूरज के बीच में भी लागू होता है, ये धरती पे कुर्सी और टेबल के बीच में भी लागू होता है, ये धरती पे है ना एक कोई दूसरी भी जड़ इकाई हो और एक तरह की जड़ इकाई मेरे शरीर और ये मकान के बीच में भी लागू होता है। तो वो नियम क्या है वो जानने का मुद्दा है। तो जो हम सूचनाएं लेते हैं घटनाओं के बारे में वो तो हमारे साथ सामयिक रूप से रहती हैं, है ना। एक समय के बाद हम उसको कई बार या तो उस पर डाउट होने लगता है या हम भूलने भी लगते हैं, परंतु जो हमको ज्ञान में समाहित हो जाता है, जिस बात को हम देख पाते हैं, है ना, जान पाते हैं, वो हमारे साथ बना रहता है। जी जी समझा। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया दीदी। हेलो नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। अभी जो डिस्कशन हो गया बॉडी और सेल्फ के बारे में, हमारे दोस्त प्रशांत सर ने जो बताया कि बॉडी पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और सेल्फ, अगर बॉडी अच्छी है तो सेल्फ ऑटोमेटिक अच्छा हो सकता है। तो अभी अपन ने जो चार्ट, अभी जो स्लाइड देखी उसमें भी ऐसा ही दिया है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो टेम्पररी है और सेल्फ की रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस है। तो तब अपने को ये समझ में आता है कि जो कंटिन्यूस है उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो टेम्पररी है रिक्वायरमेंट उसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा जैसा उनका रिक्वायरमेंट टेम्पररीली देना चाहिए। तो अपन भी यूएचवी में भी पढ़ा है कि सेल्फ को प्रायोरिटी ज्यादा देना चाहिए बॉडी के हिसाब से। अगर सेल्फ अच्छा है तो इट कैन कंट्रोल द बॉडी। सेल्फ से जैसे फीलिंग्स आते हैं उसके हिसाब से एक्शंस होते हैं, जैसे अपना बॉडी वर्क करती है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सेल्फ से ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर सेल्फ पे ध्यान देते तो वैसे राइट फीलिंग्स आते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग आते हैं और फिर बॉडी भी अच्छी रहती है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बॉडी के तरफ प्रायोरिटी के हिसाब से पहले सेल्फ के तरफ ध्यान देना चाहिए फिर बॉडी के तरफ ध्यान, ऑटोमेटिक बॉडी इंप्रूव होती है और ज्यादा ध्यान सेल्फ के ऊपर देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे भैया। तो देखिए इसमें कम ज्यादा का मुद्दा नहीं है, है ना, मुद्दा है कि इसको हम ठीक ठीक देख लें। तो शरीर सामयिक है, उसकी हर आवश्यकता सामयिक है, सीमित है, तो हमको इस पूरे समझ के साथ शरीर के प्रति जिम्मेदार होना बनता है। तो हम शरीर के प्रति समझ के साथ और ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। जहां हम शरीर को प्रतिकूल परिस्थितियों में रखकर सुख पाने में लगे हुए थे, उसके बजाय अब हम शरीर का संयम के साथ निर्वाह करते हैं, शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग का ध्यान रखते हैं। तो कम ज्यादा का मुद्दा नहीं है, शरीर को समझकर शरीर के साथ निर्वाह करते हैं। नहीं, प्रायोरिटी किसके ऊपर चाहिए? हाँ, प्रायोरिटी जी, प्रायोरिटी सेल्फ इसलिए बन जाता है, सहज से चाहिए कोई बात नहीं है कि देना चाहिए, चाहिए जैसी कोई बात नहीं। आप देखें पूरे सेशन में, पूरे कंटेंट में कहीं भी कोई चाहिए की बात नहीं कर रहे। तो सहज रूप से उनको दिखता है कि शरीर तो सामयिक है और मैं निरंतर हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर जो उपलब्धि होगी निरंतर होगी, शरीर के जो कुछ भी करूंगा सामयिक रहेगा। तो शरीर मुझे साधन के रूप में दिखाई देता है इस निरंतर उपलब्धि के लिए, और मैं उसके लिए फिर योजना कार्यक्रम बनाता हूँ। तो चाहिए जैसी कोई बात नहीं, कोई है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हमको सहज रूप से दिखता है कि ऐसा ही है, इसके अन्यथा करके करेंगे क्या। जो शरीर सामयिक है ना उसको निरंतर बना नहीं सकता मैं, नहीं बना सकते वो बोल रहा हूं, उसको मैं सामयिक बना नहीं सकता कि नहीं। बराबर है, इसलिए जो निरंतर है, जो कंटिन्यूस है, उसके ऊपर अपन ने अपनी प्रायोरिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चाहिए की बात नहीं है। रुक जाइए, जो निरंतर है वो निरंतर है, उसको मैं सामयिक नहीं बना सकता, और जो सामयिक है वो सामयिक है, मैं उसको निरंतर नहीं बना सकता। तो सामयिक के लिए कार्यक्रम बनाऊंगा सामयिकता के साथ बनाऊंगा, निरंतर के लिए जो कार्यक्रम बनाऊंगा निरंतरता के अर्थ में बनाऊंगा, इतनी बात। बराबर है, ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया भैया। भैया नमस्कार जी। नमस्ते भैया। एक्चुअली मैं एक कल एक न्यूज पढ़ रहा था और उस न्यूज में लिखा था कि हीथरो के लिए न्यू दिल्ली से एक फ्लाइट गई थी और उसको 4 घंटे बाद वापस आना पड़ा। आवाज नहीं आई भैया, किसे बताइएगा। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, वो जो आपने पढ़ा था वो सुनने में नहीं आया जी जी।
चार घंटे के बाद उसको वापस दिल्ली लेके आना पड़ा। सो मैं जानना चाहता हूँ जिसके बीच में जो जो क्रू मेंबर थे उनके बीच में और किसी पैसेंजर के बीच में कुछ आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके चलते जो सारे पैसेंजर थे वो वापस आए। पूरी बात बता दीजिए, सुनने में नहीं आया ना, बीच में बात कट गई थोड़ी सी। अच्छा जी, ये न्यूज ये था कि कल दिल्ली से 6:10 को एक फ्लाइट गई हीथ्रो लंदन के लिए, लेकिन अच्छा, बीच में ही कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उनका कुछ किसी पैसेंजर का झगड़ा हुआ या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जी। उसके चलते सभी को वापस आना पड़ा चार घंटे के बाद दिल्ली वापस जी। ठीक है, तो उसमें कहां कहां किस चीज का लेक है, समझ का कमी, लेक ऑफ नोइंग, लेक ऑफ एज्यूमिंग और फुलफिलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑन दैट, मैं उसी को समझ नहीं पा रहा हूँ। कल से मैं थोड़ा सा व्यथित हूँ उसके लिए। लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग तो है ही ना, समझ का भाव है तभी तो झगड़ा हुआ। ठीक, उसके कारण सभी समझती है जी। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो उसकी रिक्वायरमेंट हो पैसेंजर की, उसके चलते उनके पास अभाव हो उसका, जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की वो नहीं फुलफिल कर पाए उसको, उसके चलते उन्होंने झगड़ा कर दिया, तो इसमें कौन जी। देखिए पहली बात तो झगड़ा हो रहा है तो भाव ठीक नहीं है जी, ठीक है ना, कम से कम एक पक्ष का तो ठीक नहीं है, तभी तो झगड़ा हो रहा है, नहीं तो बैठ के बात करेंगे, सुलझाएंगे। अगर कोई अगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो देखना होगा उसके बारे में पूरी सूचना, लेकिन क्या ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो फ्लाइट में पूरी नहीं हो पा रही थी जिसका झगड़ा हो गया। जी जी भैया, सो बाकी पैसेंजर्स का क्या प्रॉब्लम था, उनको क्यों इसके लिए मतलब प्रताड़ित किया गया है? हाँ तो वही ना, तो अगर समझ का भाव होता है तो हम खुद भी दुखी होते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं, और फिर जो स्थिति बना देते हैं हम चारों तरफ, वो सबके लिए समस्या कारक हो जाता है। तो एक व्यक्ति ने झगड़ा किया, अब है ना, ये तो स्टडी करना पड़ेगा या तो सूचना लेनी पड़ेगी अल्टीमेटली इशू क्या था, क्यों झगड़ा हुआ। बट उसके कारण पूरी फ्लाइट लौट के आई, ठीक, और सबका टाइम भी लगा है ना, और फिर उसमें सबको परेशानी भी हुई, तो इस पर हम लॉस सूचना ले सकते हैं। बट यदि गलती उनकी है जिनका भाव बिगड़ा, तो अगर हमारा भाव बिगड़ रहा है तो हमारी गलती तो है ही जी। तो बिगड़े भाव के साथ अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारी गलती तो है। अगर फ्लाइट में कोई ऐसी अनिवार्य सुविधा थी जो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए जी। धन्यवाद जी, बढ़िया बढ़िया भैया। तो समय तो हो चला है, कुछ और हैंड्स रेज है। तो आज के असाइनमेंट ग्रुप में जो तीन मुद्दे हमने स्लाइड पे रखे थे, वो असाइनमेंट ग्रुप में रहेगा कि हम देखें कि हमारे लाइफ में प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हुई हैं, फिर समाज संबंध और सुविधा में हम किसको अधिक समय लगा पा रहे हैं, किस प्रकार समय लगाने में परिवर्तन हुआ है, और जीने के केंद्र में आज के दिन हमको क्या दिखाई दे रहा है, कैसे उसमें शिफ्ट मिल रही है। उसके साथ ही मैं और शरीर को लेकर जो चर्चा हुई है ना, ये भी उपयोगी है। और एक महत्वपूर्ण बात जो भैया के प्रश्न से, एक साथी के प्रश्न से निकल कर आया था कि जो पास में घटनाएं घटित होती हैं तो कई बार हम उससे व्यथित रहते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं तो उसको भूलने का प्रयास करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो क्षमा करते हैं। बट यदि हमको सही समझ सही भाव के साथ अगर ध्यान जाता है तो हम दूसरे की समझ को बढ़ाने के लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं। ये भी एक आज की पूरी चर्चा, ये भी आज की चर्चा का एक टेक अवे है जी। समय हो चला है, कुछ और हैंड्स रेज्ड हैं, आपके प्रश्नों से बात शुरू करते हैं, और सामने जो स्लाइड पे कॉन्टेंट है उसको हम और देख लें, उससे हम लोग और बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते सर। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।